शुरू कर देते हैं अपना चैप्टर नंबर 14। और 14 चैप्टर हमें आज पढ़ना शुरू करना है। और जो हमारा 14 चैप्टर है, जो हम आज केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये 12th क्लास केमिस्ट्री है और NCERT का चैप्टर है, मगर हिंदी मीडियम के लिए। और हमारा जो 14 चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है जैव अणु, जिसे हम बोल देते हैं बायोमोलिक्यूल। तो हमारे जो सिलेबस में है यहाँ सबसे शुरू में, वो हमारे पास में यहाँ आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम जो सबसे शुरू में पढ़ेंगे वो हम यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स ही पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स ये हमें पढ़ना है सबसे पहले, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स वे अणु होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं, C, H और O। ये तीन प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, नंबर एक कार्बन, नंबर दो हाइड्रोजन और नंबर तीन ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इन तीन पदार्थों से मिलकर बने हुए होते हैं। और जो इनकी एक दूसरी और मुख्य विशेषता है, वो दूसरी और मुख्य विशेषता इनकी ये है कि जब इनका जल अपघटन किया जाता है, तो जल अपघटन करने पर ये दो ग्रुप में टूट जाते हैं, या दो में से किसी एक में टूट जाएंगे, अगर दोनों में से किसी में भी टूट सकते हैं। जब हम इनका जल अपघटन कर देंगे, तो जल अपघटन करने पर ये मुख्यतः दो प्रकार के यौगिकों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे कि अपघटन करने पर एक तो इनमें से प्राप्त होंगे हमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, या दोनों भी हो सकते हैं, किसी में एक में या दोनों में ये विभक्त हो जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी हम इसी प्रकार से देंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स वे पदार्थ होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं और जिनका जल अपघटन करने पर हमें एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। इनकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल मैं भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है, यहाँ फिलहाल हम इनसे समझ के चलेंगे। और इसके जो एग्जाम्पल हैं हमारे पास में, है जैसे कि ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज के साथ साथ में फ्रक्टोज है, और फ्रक्टोज के साथ साथ में ये हम पढ़ेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, चलिए मैं एक मिनट मैं आपको एक मिनट डेफिनेशन दिखा देता हूँ इसकी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन आपको आराम से। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारा चैप्टर 14। सबसे शुरू में हम इसमें यही लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए जी, ये हम हेडिंग डाल लेंगे यहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स, और इसकी डेफिनेशन लिखना शुरू करेंगे। ये वे CH और O द्वारा बने हुए कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है कि यहाँ हमें दिया हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सी, इसका मतलब होता है इनमें दो या दो से अधिक OS समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब यहाँ इसी से आएगा। ठीक है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH से, तो ये बहुत सारे समूह हम इसमें मिलेंगे, तो इन्हें हम क्या बोल देंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इसमें इसका वर्गीकरण, कितने प्रकार के होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वे मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, तो हम पढ़ेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार पढ़ेंगे अब हम। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वे मुख्यतः तीन ही प्रकार के होते हैं। नंबर एक में हमारे पास में इसमें आ जाएगा मोनोसैकेराइड्स, और जो दूसरे नंबर पे हमारे पास में इसमें आ जाएगा मोनोसैकेराइड, और दूसरे नंबर पे जो हमारे इसमें पास में आ जाएगा वो आ जाएगा ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड।
ओलिगोसैकेराइड। और जो थर्ड नंबर पे हमारे पास में इसमें आएगा वो हमारे पास में इसमें आ जाएगा पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये तीन प्रकार के हैं। चलिए मोनोसैकेराइड को जब हम याद करना शुरू करेंगे तो हम इसमें ध्यान देंगे कि मोनोसैकेराइड कैसे होते हैं। जो मोनोसैकेराइड होते हैं ये वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता है, इनका जो जल अपघटन है वह नहीं होता है, जबकि ओलिगोसैकेराइड का भी जल अपघटन होता है और पॉलीसैकेराइड का भी जल अपघटन होता है। इनका जो स्वाद होता है ये स्वाद में होते हैं मीठे। और जो दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं इसमें ओलिगोसैकेराइड, ये भी स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। और मगर जो हम थर्ड नंबर पर पढ़ रहे हैं ये पॉलीसैकेराइड, ये कैसे होते हैं, ये स्वादहीन होते हैं, इनमें कोई भी स्वाद नहीं होता है। ठीक है, इनका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है। सूर्य तो ये स्वाद में मीठे होते हैं, मीठे नहीं होते हैं। ठीक है जी, ये स्वाद में मीठे होते हैं न कि मीठी, ठीक है, मीठे होते हैं। यहाँ मीठा लिख दिया है, चलिए तो ये हम यहाँ से समझ चुके हैं। अब इनके जो एग्जाम्पल होते हैं मोनोसैकेराइड के, वे एग्जाम्पल हम पहले ही लिख चुके हैं, जैसे कि हमारे पास में ग्लूकोज या फ्रक्टोज थे। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं ये मोनोसैकेराइड के ही एग्जाम्पल हैं। और जो हमारे पास में माल्टोज जैसे थे ये हमारे पास में जो आ जाएंगे ये एग्जाम्पल हैं हमारे पास में फर्स्ट में पॉलीसैकेराइड के। ठीक है, और जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं इनमें इसका एग्जाम्पल हमारे पास में आ जाएगा सुक्रोज। चलिए मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ आपको। मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता है और स्वाद में मीठे होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जबकि जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं इनका जल अपघटन हो जाता है, और जल अपघटन होने पर दो से दस अणु, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, दो से दस अणु प्राप्त होते हैं किसके, मोनोसैकेराइड के। और ये स्वाद में ये भी कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। पॉलीसैकेराइड कैसे होते हैं, ये पॉलीसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका जल अपघटन करने पर हमें बहुत सारे काय के अणु प्राप्त होते हैं, मोनोसैकेराइड। ठीक है, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर बहुत सारे मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, ये कहलाएंगे हमारे पॉलीसैकेराइड। और ये स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में। एल्डिहाइड के लिए एक मिनट में आपको समझा दूँ। एल्डिहाइड वे होते हैं जिनमें CHO समूह पाया जाता है, और कीटोन वे होते हैं जिनमें CO समूह पाया जाता है। चलिए अब एक बार ये देखिए इनकी आप डेफिनेशन किस टाइप से लिखेंगे। मैं एक बार आपको इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ। देखिए इसकी डेफिनेशन आप इस प्रकार से लिखेंगे, जो मोनोसैकेराइड होते हैं, ये देखिए यहाँ ये है हमारे पास में मोनोसैकेराइड, ये वे सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता परंतु जल में विलय होते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे। एग्जाम्पल में हमारे पास में है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये गैलिकोज गलत लिखा हुआ है तो ये ग्लूकोज लिखा जाएगा, ग्लूकोज गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ग्लूकोज लिखा जाएगा। और जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं ये भी ये वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के 2 से 10 अणु प्राप्त होते हैं, ये जल में विलय तथा स्वाद में मीठे होते हैं। जैसे कि हमारे पास में यहाँ है सुक्रोज, ये टूट जाता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, यहाँ में दोनों प्राप्त हुए हैं किसके, मोनोसैकेराइड के। तो एक प्रकार से क्या हो गया, एक प्रकार का ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, चलिए पॉलीसैकेराइड को देखिए। पॉलीसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें एक अणु का जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु प्राप्त होते हैं, ये जल में अविलय होते हैं तथा कैसे होते हैं, स्वादहीन, इनका कोई स्वाद नहीं होता। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हमारे पास में है सेलुलोज और स्टार्च। ठीक है, ये हमारे पास में जो एग्जाम्पल है ये स्टार्च का है, ये जल है। जब स्टार्च का जल अपघटन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, ग्लूकोज। और ये यहाँ एक लिखा हुआ नहीं है, ये यहाँ एन है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ, ये है N(C6H12O6), इसके इतने अणु हमें यहाँ प्राप्त हो जाएंगे किसके, ग्लूकोज के। अब हम इसमें ये भी लिख देंगे यहाँ थोड़े से जब नोट्स बनाएंगे, कि कार्बोहाइड्रेट्स भोजन का मुख्य अवयव है जिसे हम स्टार्च तथा शर्करा से प्राप्त करते हैं। स्टार्च प्राय गेहूँ चावल से, जबकि शर्करा गन्ना शहद मीठे फलों से प्राप्त
करते हैं। हमारे शरीर को प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। इसका प्रमुख कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। ऊर्जा निम्न प्रकार प्राप्त होती है और इसकी एक अभिक्रिया हम यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। यह हम अभिक्रिया दिखा देंगे इसमें किसकी, ग्लूकोज की, कि जब ग्लूकोज का अपघटन होता है तो इसमें से 6CO2 निकलते हैं, 6H2O बनते हैं और 677 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यह वह ऊर्जा है जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है। हमारा जो शरीर लगातार वर्क करे जाता है, जो हमें लगातार वर्क करने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है, वह एनर्जी हमें ग्लूकोज के विघटन से ही प्राप्त होती है, जिसका मान होता है 677 किलो कैलोरी। अगर ग्लूकोज के एक अणु का विघटन हो जाता है तो हमें 677 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए ग्लूकोज पढ़िए। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और ग्लूकोज की जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार की होगी, ये वाली, और इसे हम शॉर्ट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके निर्माण की विधि, कि ग्लूकोज का निर्माण किस प्रकार से। सबसे पहले देखिए, हम ग्लूकोज को प्रयोगशाला विधि में बनाएंगे और जो हमारी फर्स्ट विधि है इसमें तो हमारी प्रयोगशाला विधि ही है। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल दूंगा, फर्स्ट हेडिंग जो हमारी है वो हमारी प्रयोगशाला विधि है, जिसे अब हम पढ़ेंगे, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में ग्लूकोज को कैसे प्राप्त करते हैं, चलिए देखते हैं। प्रयोगशाला विधि में हम लेते हैं इसमें स्टार्च, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C12H22O11 और इसमें जल मिला देते हैं, या इसका जलीय विलयन लेते हैं और इसमें मिला देते हैं हम यहाँ डाइल्यूट HCl, और डाइल्यूट HCl के साथ में कुछ मात्रा में हम यहाँ मिला देते हैं इसमें एथिनॉल C2H5OH। तो देखिए क्या होता है, जब इन्हें मिला देते हैं तो हमें यह दो अणु प्राप्त होते हैं, एक ग्लूकोज C6H12O6 और दूसरा अणु फ्रक्टोज का C6H12O6। ये हमें दो अणु प्राप्त होंगे। एक अणु हमें जो प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा ग्लूकोज का, और जो दूसरा अणु हमें प्राप्त होगा वो अणु हमें प्राप्त होगा फ्रक्टोज का। तो यहाँ हमें दो अणु प्राप्त हो जाएंगे, एक अणु ग्लूकोज का और दूसरा अणु फ्रक्टोज का। चलिए देखिए, तो एक अणु हमें यह ग्लूकोज का प्राप्त हो जाएगा और दूसरा अणु किसका प्राप्त हो जाएगा, फ्रक्टोज का। तो ये हमारी पहली विधि थी, और अब हम पढ़ते हैं इसमें औद्योगिक निर्माण की विधि। औद्योगिक निर्माण की विधि, औद्योगिक निर्माण की विधि में इस टाइप से नहीं करेंगे। औद्योगिक निर्माण की विधि में हम लेंगे इसमें स्टार्च, और स्टार्च का जल अपघटन करा देंगे एंजाइम की उपस्थिति में। तो हम ये स्टार्च लेते हैं सबसे पहले। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 और यह हम लेंगे इसका होल एन। तो ये हमारे पास में ये है हमारे पास में स्टार्च। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्च ही लेंगे और स्टार्च का क्या करा देंगे, जल अपघटन, प्लस एन अणु लेंगे किसके, H2O के, एरो लगाएंगे, और यहाँ जो हम इसमें लेंगे, यहाँ हम इसमें एंजाइम लेंगे, ठीक है, एंजाइम लेंगे तो तेज गति से प्राप्त हो जाएगा, पर हम यहाँ एंजाइम के स्थान पर C2H5OH या HCl ले भी HCl भी ले सकते हैं, और वायुमंडल दाब हम यहाँ रखेंगे चार से पाँच वायुमंडलीय दाब पर भी हमारे यहाँ काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों की जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ हमें एन अणु प्राप्त हो जाएंगे ग्लूकोज के, C6H12O6। यहाँ हमें प्योर ग्लूकोज ही प्राप्त होगा। ये दो विधि से ही हम इन्हें प्राप्त करेंगे। अब हम इसके पढ़ते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण में नंबर 1 पढ़िए इसके, यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। चलिए मैं इसके गुण आपको वहां से दिखा देता हूँ।
जहाँ अलग से लिखे हुए हैं वहाँ आपको सही से समझ में आ जाएंगे। देखिए इसका फॉर्मूला है और ये विधि है जो मैं आपको समझा रहा था। तो प्रयोगशाला में क्या काम करेंगे, शर्करा का जलीय विलयन लेंगे और जलीय विलयन लेने पर इसमें हम मिला देंगे C2H5OH और 4% HCl और टेम्परेचर कितना देंगे इसे 50 डिग्री सेल्सियस, तो हमें इसमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। फिर जो औद्योगिक निर्माण की विधि है, औद्योगिक निर्माण की विधि में हम किसका प्रयोग करते हैं, स्टार्च का, और इसके साथ में जल लेते हैं। और यहाँ भी हम किसका प्रयोग कर देते हैं, C2H5OH मतलब एथेनॉल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, बस यहाँ दाब बढ़ा देते हैं कितना 4 से 5 वायुमंडलीय दाब पर, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ग्लूकोज। ठीक है, ये इसके भौतिक गुण हैं जिनमें भी आपको समझा रहा था। यह एक रंगहीन ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है, जल में विलय परंतु ईथर में अविलय होता है, जबकि एल्कोहल में अल्प विलय होता है। इसका गलनांक होता है कितना, 146 डिग्री सेल्सियस। कोई पॉइंट नहीं है इसका, केवल इसके थर्ड ही तीन ही पॉइंट मैंने यहाँ दिए हुए हैं। तो ये वर्क भी आप अच्छे तरीके से इसका कर लेंगे, जो वर्क आपको दिखाई दिया है। इसके रासायनिक गुण हम कल पढ़ेंगे अगली वीडियो में।